हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अपडेट्स दैट मैटर्स में। तो अभी भी यूपी ट्रिपलएससी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डेट दी हुई है 8 सितंबर 2023। अभी का ये नोटिस है जो कि है विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2022 से संबंधित, यानी कि मुख्य सेविका की जो मुख्य परीक्षा उसके संबंध में ये नोटिस है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2693 पदों पर चयन हेतु जो मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए पीईटी 2021 के आधार पर 45,857 महिला अभ्यर्थियों की सूची जो थी वो 16 अगस्त 2023 को प्रकाशित की गई थी, और उसमें से कुछ जो 939 अभ्यर्थियों की अलग से सूची जो दी गई थी जिन्होंने कि फीमेल के स्थान पर मेल अंकित कर दिया था, उनमें से 4 अभ्यर्थियों को जो आयोग कार्यालय में अभिलेखों में प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित हुई थी, उनके अभिलेखों में प्रमाण पत्रों के परीक्षोपरांत आयोग की आवश्यक सूचना जो है जो कि नोटिस दिया गया था 6 सितंबर 2023 को, उसके द्वारा मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो यहाँ पर आज ये नोटिस दिया जा रहा है वो मुख्य परीक्षा की फीस पेमेंट से रिलेटेड, यहाँ पर ये नोटिस दिया गया है जिसमें बताया गया है कि तदनुक्रम में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के यानी कि जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट्स को यहाँ पर 200 रुपये की फीस पेमेंट करना है। उसी के साथ यहाँ पर एससी और एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 80 रुपये ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा और दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा कोई शुल्क देय नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। आपको कैसे फीस सबमिट करनी है उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि मुख्य परीक्षा है तो निर्धारित शुल्क जमा करने के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध मेन एग्जामिनेशन फी डिपोजिशन विकल्प पर जाकर वांछित प्रविष्टि अंकित करते हुए शुल्क जमा करने की कार्रवाई पूर्ण कर सकते हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे आपको अपनी फीस सबमिट जो है करनी है। उसके साथ ही यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नोट भी दिया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि मुख्य परीक्षा है तो निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड सकेंगे। प्रवेश पत्र जारी करने के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो जो भी महिला अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट हुई हैं वो सभी फीस पेमेंट जरूर कर दें, क्योंकि फीस पेमेंट करने के बाद ही अपना प्रवेश पत्र वो डाउनलोड कर पाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कैसे आपको अपना फीस पेमेंट करना है। तो आपको फीस पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर के वेब ब्राउजर पर सर्च करना है UPSSC.gov.in टाइप करके, उसके बाद में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट का सेक्शन आपको देखेगा, उसमें ऊपर ही ऊपर ये पहले नंबर पर ही आपकी एक लिंक दी गई है 8 सितंबर 2023 की, यहाँ पर आप ये देख भी सकते हैं। इसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ आपका इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आएगा, जिसमें कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन फॉर मेन एग्जामिनेशन फी डिपोजिशन। इसमें आपको यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो फिल करनी होंगी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको, और डोमिसाइल ऑफ आर यू डोमिसाइल ऑफ यू पी एस नो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, कैटेगरी आपकी यहाँ से सेलेक्ट करनी है, उसके बाद एंटर वेरीफिकेशन कोड ये वाला ऐसे कैप्चा कोड यहाँ पर आपका आ रहा होगा वो यहाँ फिल करना है, और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे आप। उसके बाद में जो है आगे की जो भी स्टेप्स होंगे उनको फॉलो करते हुए आपको अपनी फीस पेमेंट करनी है, और यहाँ पर कुछ ये नोट्स भी दिए जा रहे हैं इनको आपको पढ़ लेना है जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत वगैरह ना हो। इतना ही अपडेट देना था आप सभी को, उम्मीद है आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।